मौसम विभाग द्वारा बारिश की चेतावनी के बाद किसान ज्यादा मात्रा में अपनी धान इंद्री अनाज मंडी में लेकर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि साफ सुथरी धान होने के कारण उन्हें इसके ज्यादा रेट मिलेंगे, पर हुआ उसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि आज धान के रेट में 50 रुपए से ज्यादा का मंदा था। किसान मायूस बैठे हैं और खरीदने वाले नखरे दिखा रहे हैं। मंडी में 1500 नोट धान 1600 रुपए से 1700 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। मौसम की मार व काले तेले की मार के कारण पहले ही 15 से 30% धान कम निकल रही है और ऊपर से रेट में मंदा होने से किसानों पर इसकी दोहरी मार पड़ी है। किसान बेबस और मजबूर से अपनी फसल बेचकर मंडी से जा रहे हैं। वहीं जब इस बारे में किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज से एक महीने पहले यूपी का यही धान 2900 रुपए से 3000 रुपए के करीब बिक रहा था। हरियाणा का यही धान अब जब मंडी में आया है तो 1600 रुपए से 1700 रुपए में बिक रहा है। डबल मारी कुदरत की मार पड़ी थी, डबल बारिश ने सारे के सारे धान हमारे खराब कर दिए। पहले एक महीना पहले यही धान 2900-3000 में बिक रहा था, उस टाइम यूपी का धान था, पर ये आने का धान आया है तो यही धान 1600-1700 बिक रहा है। तो क्या कहेंगे, क्या सरकार से मांग? सरकार अपनी एजेंसी भेजे, इनको रोके, सुखी जीरी कटवा के लाते हैं, जो कहते हैं अभी मोक्षन नहीं रहा, इसमें गिल्ली कटवा के लाते हो तो हरी कटवा के ले आए तुम, तो क्या करे जमींदार का ज्यादा देना पड़े। 55000 रुपये ठेका जी, आमदनी कितनी? आमदनी सारी जीरी पारी जी 25 की 30 की। तो नुकसान हो, नुकसान कितना हो रहा जी? क्या मांग करेंगे? मांग तो यही है जी, एजेंसी आए 1 तारीख से, पिछले साल 25 तारीख तक शुरू थी, इस बार लेट है, इसकी बार अब की बार कह रहे हो 1 तारीख से लेके आओ। क्यों? आपका पूरा नाम? कृष्ण जी। आज से 3 महीने पहले धान का रेट 2900 रुपये था, यहाँ मंडी में मतलब जो धान आती थी छुटू ढेरी तो 2900 रुपये बिक रहा था। आज जब धान की आवाक शुरू हुई, हरियाणा के धान का मतलब मंडियों में आना शुरू हुआ, तो ये घट करके 1600 रुपये तक आ गया है। 1600-1800-1900 रुपये पे बिक रहा है 1500 नो, जो कि बासमती एक ऐसी बढ़िया क्वालिटी है 1500 नो, जो बासमती के 11-21 के अंदर मिल करके वो मतलब विदेशी डॉलर लाती है इस देश के लिए। लेकिन ये आज का हरियाणा का जो किसान है वो डबल मार में फंस गया। पहली मार तो रेट एकदम डाउन, 1000 तक डाउन आ गया। दूसरा, अगर इनके इब की बार झाड़ कम है, ये बेमौसमी बारिश हुई, बेमौसमी बारिश होने के बाद तो वो धान कुछ गिर गया, कुछ मतलब हल्का पड़ गया, इसलिए उसका मतलब वेट भी कम हो गया, इसलिए डबल मार मतलब किसानों पे आन पड़ी है। और सरकार को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपनी कमाई उनको भेजे एजेंसियों को, और एजेंसी आकर के इसको वो वहाँ रोके ताकि किसानों को उनका लाभ मिल सके, अन्यथा किसान अब की बार फसलों का अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पाएंगे और कर्जे के नीचे दबते जाएंगे, और ज्यादा नीचे दब जाएंगे। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत का सही दाम उन्हें नहीं मिल रहा। किसान आशा भरी नजरों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी इस परेशानी का हल करे, ताकि उन्हें उनकी मेहनत और धान का सही मूल्य मिल सके। देखिए, धान उत्तर भारत की एक प्रमुख फसल है, तो जिसकी कटाई निरंतर चल रही है इस समय, और किसान भरपूर मात्रा में धान की फसल लेकर करनाल मंडियों और सभी अन्य सभी मंडियों में आ रहे हैं। लेकिन सरकारी बोली न होने के कारण किसान का पूर्ण रूप से शोषण हो रहा है। किसान का सिर्फ किसान का जो धान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा धान की जो कीमत है वो 750 फाइन के लिए रखी गई और 1780 रुपये सुपर फाइन वरायटी के लिए रखी गई। धान की वरायटी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने TR-126 विकसित की, जो 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और किसान का दुर्भाग्य है वो वह फसल पक के तैयार हो गई है, और जो व्यापारी लोग हैं और जो हड़ताली लोग हैं उनकी मिली हुई मिली भगत से किसान का जो धान है TR-126 वो सिर्फ 1500-1550 के बीच में बिक रहा है, यानी क्वांटिटी पीछे 250-300 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या कारण मानते हैं इसका? इसका मुख्य कारण यह है कि किसान जो सरकार है उसकी बोली कम आ रही, अभी आई नहीं है। जो सूत्र प्राप्त हुए हैं उनसे ये प्राप्त हुआ है कि जो धान की बोली है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि अब पानी बचाने के लिए काफ़ी सारी कम टाइम की वरायटियाँ उपलब्ध है मार्केट में, तो किसान उसी को लगाना चाहता है भी, जिससे हमारे काम हमारी बीमारी से प्रकोप से भी बच रहे और हमें पानी की मात्रा भी कम लागत लगानी पड़े। इसलिए PR-26 विकसित की, जो 90 दिन में पक के तैयार होती है, 1500-1900 दिन में पक के तैयार होती है, तो धान की जो बोली है वो कम से कम 15 सितंबर के या 20 सितंबर के आसपास आनी चाहिए, ताकि जो किसान है उसको पूर्ण रूप से पूर्ण समर्थन मूल्य मिल सके और उसकी आर्थिक सहायता हो सके।
सके और उसके कुछ उसके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो सके। क्या नाम हमारा मानना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरबाज सिंह, गांव डबरी करनाल। ये जो धान की खेती है भी बीजे ना जल्दी, एक तो बरसात की वजह से जो है ना धान मारा गिर गया है, और दूसरा जो है ना रेट भी कम हो गया है 1500 नौ जीरी का, और जो ये पीआर जीरी की जो सरकारी खरीद पहले गवर्नमेंट जो है ना 25 तारीख तक भी चालू कर दे थी जैसा सीजन, अब जबकि सारी मंडी में यानी दानी दान चालू हो गया है, इब कह रहे भाई एक तारीख से सुना है कि एक तारीख से यानी चालू होगी, हम सरकार से गुहार लाते हैं मदद की भाई, जिम्मेदारों की मदद जब अब शुरू हो चुके हैं, और भाई एक तो जल्दी से जल्दी यानी खरीद चालू करवाओ है, और एजेंसियों को भेजे जिससे कि ये मंडी में जो है ना ये धान की खरीद यानी चालू हो जाए, और इन जिम्मेदारों को कुछ रेट ठीक मिल जाए। बता दें किसान दिन भर इसी इंतजार में बैठे रहे कि उनकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, पर शाम को उनके हाथ केवल निराशा ही लगी। बोली ना होने के कारण व्यापारी अपनी मर्जी से आते हैं और मन मर्जी के रेट लगाकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर किसान सरकार पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार कब उनकी समस्या का हल निकालेगी और उन्हें अपनी फसल के अच्छे दाम मिल पाएंगे।